दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके साथ कोई भी केस होता है, आप परेशानी में हैं, पर अपनी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जाकर डिटेल में मेंशन करना नहीं चाहते, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर कि सिर्फ आपको अपना नाम, अपना नंबर, किस स्टेट से आप हैं, अपनी मेल आई डी मेंशन करनी है, और जो नीचे बॉक्स डला है बॉक्स के अंदर मेंशन कर दें क्या आपका केस है या फिर क्या सलाह आप हमसे चाहते हैं या क्या जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं, आप उसमें मेंशन कर देंगे तो हम आपसे पर्सनली कांटेक्ट जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। जो भी आपने हमसे सवाल पूछे हैं या जो भी आपकी समस्या है उसका हम सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। दोस्तों ऐसे आपने कई सारे मामले देखे होंगे जिन मामलों के अंदर मामला तो बनता है प्रेम प्रसंग का, मतलब कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे शादी करना चाहते थे, प्रेम में थे दोनों ही एक रिलेशन में थे और दोनों ही घर छोड़कर भाग जाते हैं, घर से भाग जाते हैं, जो भी उनकी मदद साथ में करता है घर से भागने के लिए। उसके बाद में जब भी कभी लड़की का पता चलता है तो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं, फादर हैं या भाई हैं, वो कंप्लेंट लिखवाते हैं कि लड़की को अगवा कर लिया गया, अगवा करने के बाद में उसके साथ शारीरिक शोषण हुआ। अब बाद में जो केस बनता है वो केस बनता है पॉक्सो का, साथ में सेक्शंस क्या लगते हैं, सेक्शंस लगते हैं 363, 366, 376 और साथ में ही पॉक्सो। पॉक्सो में सेक्शन 6 कई बार देखने को मिलता है जब FIR काटी जाती है, और पॉक्सो 6 जैसे संगीन जो धाराएं हैं जिसके अंदर उम्र कैद और साथ में फांसी तक का भी प्रावधान है, ऐसे सेक्शंस में जब FIR कटती है तो सीधा जो भी वो लड़का था जिसके साथ वो लड़की घर छोड़कर गई थी उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। और मैं दोस्तों आपको बताऊं, जो ये पॉक्सो 6 का जो सेक्शन एक आप अगर देखेंगे तो उसमें जल्दी से बेल भी नहीं होती है। क्या होता है पूरा ये मामला, कैसे FIR लॉज होती है, क्यों ये सेक्शंस आप पर लग जाते हैं, आपकी बेल कब तक होगी, और अगर ऐसा ही कोई मुकदमा, ऐसा ही कोई मामला, लड़का और लड़की दोनों रिलेशन में थे, लड़की की उम्र कम थी, लड़का और लड़की दोनों घर छोड़कर भाग गए, बाद में FIR कटवाई गई, और आपका भी कोई जानकार सगा संबंधी या दोस्त अगर कोई ऐसे ही केस में फंस गया है, या आप अभी किसी भी तरह से कानून की स्टडी करते हैं, आप अगर कोई लॉ स्टूडेंट हैं, कोई नए वकील साहब हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी लॉ कंप्लीट की है, या फिर आप प्रैक्टिस में अभी आए हैं, या फिर आप कानून को जानना चाहते हैं, अपने देश का कानून क्या बोलता है, या फिर ड्राफ्टिंग किस तरह से आप करेंगे किसी भी केस की, आप जब बेल को फाइल करते हैं, ऐसी कई सारी वीडियोस हम अक्सर लेकर आते रहते हैं, और हमारे इन सभी वीडियोस के माध्यम से भी आप अपने आप को बहुत नॉलेजफुल बना सकते हैं और अलग अलग तरह के केसेस के बारे में आप जान सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसे ही मामले में जहां रिलेशन का मामला होता है वो कब पॉक्सो केस में कन्वर्ट हो जाता है, कब अपहरण जैसी भी सीरियस धाराएं और रेप की जो सीरियस धाराएं होती हैं वो आप पर लग जाती हैं, ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसके लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों पॉक्सो एक्ट जो कि नवंबर 2012 में ये एक्ट आया, एक्ट को लाने की जरूरत ही क्या थी, हालांकि IPC जो 1860 का है उसके तहत इंडियन पिनल कोड के तहत बहुत सारे जो क्राइम होते हैं, जितने भी अपराध होते हैं उनकी डेफिनेशन और कितनी सजा मिलेगी उन सबको मेंशन किया गया है IPC में, बट उसके बावजूद ऐसे कई सारे अपराध होते हैं जो अपराध सीरियस एक कैटेगरी में होते हैं और उनके लिए नए कानून को और कड़ा बनाने की जरूरत पड़ जाती है, तभी ऐसे कानून लाए जाते हैं। जैसे मैं आपको दो एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि आप NDPS को आप देख लीजिए, NDPS वो जिसमें कि मादक पदार्थ या बात कर नशीले पदार्थों का जो खरीद फरोख करते हैं, सेवन करते हैं या जिस भी तरह से नशीले पदार्थों का इस्तेमाल हुआ, वहां पर NDPS एक स्पेशल तरह का एक एक्ट लाया गया। उसी तरह से यहां पर पॉक्सो एक एक्ट लाया गया, पॉक्सो एक्ट जो कि लाया गया 2012 नवंबर में, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। इस एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं में अलग अलग तरह की बातें बताई गई है। अब थोड़ा सा बताऊंगा पहले केस के बारे में, कब एक जो प्रेम प्रसंग होता है कब वो एक सीरियस ऑफेंस बन जाता है। मान लीजिए कोई एक लड़की है, लड़की की उम्र है 16.5 साल या फिर 17 साल उसकी उम्र हो या 15 साल हो, कोई भी एक एज हो सकती है। बच्चे की अगर हम डेफिनेशन देखें, बच्चा कौन है, वो सभी, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो बच्चा है। और अगर आपने उसके साथ किसी भी नियत से, मतलब कि फीलिंग्स
जो आपकी है वो सेक्सुअल किसी को हरास करने वाली या सेक्सुअल असॉल्ट करने वाली या फिर आपने सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया या एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्स का जो एक मामला होता है जो सेक्शन 6 में 5 में उस डेफिनेशन लिखी हुई है आपने वो कर दिया तो ऐसे मामले एक संगीन प्रवृत्ति के मामले बन जाते हैं। बच्चों से किसी भी तरह का अगर आप कृत्य करते हैं, किसी भी तरह से सेक्सुअल फीलिंग्स अगर आपके अंदर है, बच्चे को टच भी करते हैं, वो भी पॉक्सो की कैटेगरी में आता है। अब ये कब बहुत ज्यादा सीरियस बन जाता है? सीरियस बहुत ज्यादा इसलिए बन जाता है कि आप जब पॉक्सो का सेक्शन 29 पढ़ते हैं, मैं फिर बोलता हूँ, जब आप पॉक्सो का सेक्शन 29 पढ़ते हैं तो उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? बर्डन ऑफ प्रूफ है एक्यूज पर। आप जब दूसरे केसेस को देखते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? हमेशा उस पर जो केस दूसरे पर लगाता है। पर पॉक्सो में ऐसा नहीं है, पॉक्सो में उल्टा है। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा जो जज साहब है वो प्रज्यूम करते हैं कि कोई भी ऑफेंसेस जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 3 में 5 में 7 में या फिर 9 में सेक्शन में जहां पर भी उसकी डेफिनेशंस हैं, मतलब जिसमें सजा का प्रावधान 4 सेक्शन 4 सेक्शन 6 सेक्शन 8 सेक्शन 10 उसमें जो सजा के प्रावधान हैं, इन सभी के अंदर जज साहब ऐसा प्रज्यूम करेंगे कि हाँ जो एक्यूज है उसने ही ऐसा कृत्य किया है और उसको प्रूफ करना होगा कि वो निर्दोष है। लड़का लड़की के साथ अगर भाग जाता है, लड़की लड़के साथ भाग जाते हैं, घर से दोनों प्रेम प्रसंग में थे, दोनों ही रिलेशन में थे, तो ये माना जाएगा क्योंकि बच्चों को इतनी अकल नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती। हालांकि देखा जाए तो बच्चे आजकल के समाज में 15-16 साल से ही बड़े अच्छे खासे वो बड़े हो जाते हैं, पर यहाँ जो एज है, जो कानूनी लैंग्वेज बोलती है, वो 18 साल है। अगर लड़की को आप भगाकर ले भी गए या लड़का लड़की चाहते हैं शादी करना, बाहर जाकर कहीं रहना शुरू कर दिया, 2-4-5 महीने के बाद अगर उनको वापस से इन्फॉर्मेशन मिलती है लड़की परिवार को, अगर वो ले आए तो हमेशा आपको FIR देखने को मिलेगी कि जिसके अंदर 363, 366, 376 और अक्सर पॉक्सो का 4 या पॉक्सो का 6 सेक्शन उसमें मेंशन होता है और लड़के को जेल जाना होता है। अब दोस्तों बात करें इसमें बेल का प्रावधान क्या है, बेल किस तरह से आप इसमें ले पाएंगे, पर उससे पहले आपको जान लेना चाहिए सेक्शन 35 को। पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 35 क्या बोलता है, क्योंकि ये एक स्पेशल एक्ट है तो इसके अंदर बहुत ही जल्दी पॉक्सो केसेस को निपटारा करने का प्रावधान है। मतलब कि 30 डेज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज जब कॉग्निजेंस लेते हैं जज साहब, तब के अंदर अंदर एविडेंस आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए और साथ में ही किसी भी केस का जो भी पॉक्सो के मामले हैं उसका जो डिस्पोज ऑफ है वो 1 साल में हो जाना चाहिए। मतलब 1 साल में सजा दे दो जिसको भी पकड़ा है, जिस पर भी केस चलाया जाता है। बट अक्सर आप कोर्ट में देखते हैं, हम भी जब कोर्ट में खड़े होते हैं, बहुत सारे केसेस हैं पक्षों के हमारे पास जिन केसेस को हम लोग फाइट कर रहे हैं या फाइट कर चुके हैं या बेल कराई है या फिर उन केस के अंदर हमने चार्जेस पर आर्ग्यूमेंट किए हैं। होता क्या है इन सभी केसेस के अंदर कि वहाँ पर ये केस भी आराम से 3-4-5 साल तक खींच जाते हैं। बेल लेने में ही आपको अगर आपके ऊपर सेक्शन 6 लगा है तो 1 साल 1.5 साल 2 साल तक आपको बेल लेने में ही लग जाता है, क्योंकि अगर लड़की की स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है, इसमें स्टेटमेंट देखी जाती है 161 की भी और साथ में 164 के बयान होते हैं उन्हें भी, उसके बाद जब आपके वकील साहब जब वहाँ क्रॉस करते हैं, जब सवाल जवाब पूछते हैं, तो वो भी आसान नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से दूसरे हम क्रॉस करते हैं, सामने खड़ा होता है जिसने के कंप्लेंट की, हम सामने क्रॉस के लिए होते हैं एक्यूज की तरफ से, तो सवाल बहुत खुलकर आसानी से पूछे जा सकते हैं, बट पॉक्सो में ऐसा नहीं होता। पॉक्सो केस में किस तरह से प्रोसीडिंग चलती है क्रॉस की, किस तरह से होता है चीफ और किस तरह से हम क्रॉस करते हैं कोर्ट में बैठकर, क्या वो स्पेशल कोर्ट होते हैं, अलग से रूम होते हैं, किस तरह जज साहब हमें अलाउ करते हैं, क्या सवाल आप पूछोगे, क्या सवाल आप नहीं पूछ सकते हो, ये भी आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछेंगे तो हम इस पर एक बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे जिससे कि आप समझ पाओगे क्रॉस किस तरह होता है पॉक्सो एक्ट में। दोस्तों हालांकि देखा जाए तो पॉक्सो के किसी भी मामले में बेल लेना इतना आसान नहीं, चाहे वो पॉक्सो का सेक्शन कोई भी लगा हो, पर मैं आपको बता दूं अगर सेक्शन 6 लगा है, आप ध्यान दें हमेशा अपनी FIR में, अगर पॉक्सो का सेक्शन 6 लगा है तो आपके लिए ये फाइट बहुत लंबी हो सकती है, साथ में बहुत मशक्कत होगी आपके सामने। अच्छे वकील साहब हैं जिनको पॉक्सो एक्ट का अच्छे से ज्ञान है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से। जब तक नॉलेज नहीं है किसी भी एक एक्ट की, तब तक आप अपने उस केस को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे कोर्ट के अंदर। आप कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, तो मैं आपको बता दूं इस एक्ट को पढ़ना इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि एक्ट ये इतना बड़ा है भी नहीं। टोटल हम देखें तो इसमें कितने सेक्शंस हैं,
टोटल इसके अंदर 46 सेक्शंस हैं, जो 46 सेक्शंस टोटल ही 9 चैप्टर्स में बटे हुए हैं। बहुत आसान है पढ़ना, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, पतली सी ये बुक है, आप उसको पढ़ें, पूरी किताब को अच्छे से पढ़ें, ताकि जब अपने केस को आप प्रेजेंट करें कोर्ट में तो आपके पास हर चीज़ों का जवाब हो, हर चीज़ों का आंसर हो। जब आप क्रॉस करें या जब आर्ग्यू करें पीपी साहब से, तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट हो वो भी बहुत जोरदार तरीके से हो सके। कोई भी सवाल है, आपने सवाल पूछे, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे आपके केस में आपकी मदद करने की। दोस्तों, अच्छी लगी हो आज की वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।